डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोएनर्जेटिक्स एंड एटीपी साइकिल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोएनर्जेटिक्स जो टर्म है उसका मीनिंग क्या, मतलब क्या होता है। बायोएनर्जेटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस एनर्जेटिक्स। बायो का सिंपल मतलब है लिविंग बींग, लिविंग सिस्टम, और एनर्जेटिक्स का मतलब होता है जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जितने भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस इन बॉडी सेल ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, इनको हम बायो एनर्जेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। जो सेल्स होती है इनमें दो प्रकार की रिएक्शंस होती है, एक कैटाबॉलिक होती है और दूसरी एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। इन दोनों को कंबाइंडली हम मेटाबॉलिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसमें जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है। जैसे हम बात करें रेस्पिरेशन प्रोसेस की, तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोलते हैं इसको। और एनाबॉलिक प्रोसेस की बात करें तो जो सिंथेसिस प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स में होती है ये एनाबॉलिक प्रोसेस के अंतर्गत आती है। इनमें हमेशा एनर्जी का कंजप्शन होता है और इनको जनरली एंडरगोनिक प्रोसेस भी कहते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कि एंडरगोनिक प्रोसेस में एनर्जी स्टोर होती है और एक्सर्गोनिक प्रोसेस में रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है, और ये रिएक्शंस होती हैं ये एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है इसकी एनर्जी कम है और ये एनर्जी गेन करने के बाद में एक हायर एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और अब इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये हायर एनर्जी की जो स्टेट है ये मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है और ये अपने जो सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ब्रेक होता है। तो इस प्रोसेस को एक्सर्गोनिक रिएक्शन बोलते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है, और जो सिंथेटिक मैनर्स की जो रिएक्शंस होती है जिनमें एनर्जी स्टोर की जाती है इसको एंडरगोनिक रिएक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एनर्जी की। तो जो नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं इनमें जो हीट एनर्जी होती है वो डायरेक्ट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या जो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं होती। टेम्परेचर कितना भी अप डाउन फ्लक्चुएट हो सकता है, और इस प्रकार के जो सिस्टम होते हैं उनको एनिसोथर्मल सिस्टम कहते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम में टेम्परेचर बाउंडेशन को लेकर दो प्रकार की कंडीशंस है। एक तो इस प्रकार के जो एनिमल्स जिनमें बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स रहता है होमोआइसोथर्मल बोलते हैं, और होमोआइसोथर्मल की बात करें तो जनरली जो मैमल्स एरीज हैं उनमें बॉडी का टेम्परेचर है वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। और कुछ इस प्रकार के लिविंग बींग्स होते हैं जिनमें बॉडी का टेम्परेचर वो एक पर्टिकुलर रेंज तक रेंज में ही फ्लक्चुएट होता है, उससे ज़्यादा अप डाउन नहीं होता। इस प्रकार के लिविंग बींग्स को पोइक्लोथर्मल कहते हैं। ये जो फ्लक्चुएशन की बात कर रहे थे कि नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम में टेम्परेचर वो कितना भी अप डाउन हो सकता है, वहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर कभी भी बाउंडेशन कंडीशन नहीं हो सकती, जबकि लिविंग बींग्स में टेम्परेचर एक
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका जो मान है वो या तो फिक्स होता है या एक डेफिनेट रेंज में अप डाउन हो सकता है, उससे ज़्यादा यदि ये वेरी करता है, चाहे वो होम आइसोथर्मल की बात करें या कोई किलो थर्मल की बात करें, तो सेल की जो फंक्शनिंग है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और उसकी फंक्शनिंग है वो डायरेक्टली अफेक्ट होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे यदि डायरेक्ट जो हीट एनर्जी वो डायरेक्ट यदि ट्रांसफॉर्म हो जाए तो टेम्परेचर है वो कभी भी कांस्टेंट या पर्टिकुलर रेंज में नहीं रह सकता। तो इस प्रकार लिविंग सेल्स में डायरेक्ट नहीं होता, एनर्जी जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्ट वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकती। तो यहाँ पे कुछ एक्सचेंजर, एनर्जी एक्सचेंजर मॉलिक्यूल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि इसको फिजिबल बनाते हैं सेल्स के अंदर। इनको हम इंटरमीडिएट कंपाउंड भी कहते हैं और इनकी दो क्वालिटी होती है, गुण होते हैं। पहला गुण तो ये है कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के थ्रू, वहाँ से ये एनर्जी को रिसीव करते हैं, इनमें रिसीव करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और सेकंड ये है कि जो स्टोर्ड एनर्जी है, अब ये जो स्टोर्ड एनर्जी है वो सिंथेसिस प्रोसेस या एनाबोलिक या एंड्रोजेनिक प्रोसेस कर दें, तो वहाँ पे डिलीवर करने का काम भी इनके द्वारा किया जाना चाहिए, ये कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो ये दोनों प्रकार के काम करते हैं, एनर्जी को रिसीव करते हैं, जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको जो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है वहाँ पर डिलीवर करने का काम भी करते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो एनर्जी जो स्टोर की जाती है या रिलीज की जाती है, तो इसको जनरली हम बायोलॉजिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम एटीपी साइकिल की। 1929 में लोमैन, फिस्के और सोब्रो ने एक एनर्जी एक्सचेंजर कंपाउंड की डिस्कवरी की थी और ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको एएमपी कहते हैं, इसके दो फास्फोरिलेटेड फॉर्म होते हैं, एक है एटीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और दूसरा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी कैरियर का काम करता है और जो रिएक्शंस होती हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस, वहाँ पे एनर्जी डिलीवर करने का काम करता है। इसको एटीपी को जनरली हम यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर और एनर्जी एक्सचेंजर के नाम से भी जानते हैं और ये हर प्रकार के जो बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं उनमें सब में पाया जाता है। अब हम बात करें बायोएनर्जी सेटल की, तो फ्रिज लिपमैन जो कि एक जर्मन बायोकेमिस्ट है, उन्होंने एक साइक्लिक प्रोसेस स्टडी किया था, एग्जामाइंड किया था एडीपी टू एटीपी, एटीपी टू एडीपी, देन एडीपी टू एटीपी। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस उन्होंने बताया कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो जो एक्सोजेनिक रिएक्शंस होती है जिनमें एनर्जी लिबरेट होती है, ये एनर्जी एटीपी के साथ एनहाइड्राइड बॉन्ड के थ्रू बाइंड होके एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो एडीपी था वो आफ्टर एनर्जी बाइंडिंग इट्स कन्वर्ट इनटू एटीपी मॉलिक्यूल और कंपाउंड, और उसके बाद जो एटीपी है वो एंड्रोजेनिक रिएक्शंस है जहाँ पे सिंथेसिस प्रोसेसेस हैं या कुछ सेक्रेशंस हैं या अदर जो इस प्रकार के फंक्शन है जिनमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो वहाँ पे ये एनर्जी डिलीवर करने का काम करता है। और इस डिलीवरिंग में जो फॉस्फेट जो ग्रुप है, एनहाइड्राइड जो बॉन्ड बना है, तो ये टर्मिनल एनहाइड्राइड बॉन्ड ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी यहाँ पे एंड्रोजेनिक रिएक्शंस में कंज्यूम होती है। अब हम बात करते हैं एक रोल ऑफ एटीपी साइकिल की। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है जिसमें ये बताया गया है कि
ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है CO2 H2O में, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है जिसको अपन यहाँ पे पी ग्रुप के द्वारा शो किया है, ये एनर्जी जो फॉस्फेट या पी ग्रुप है ये एडीपी कंपाउंड के साथ बाइंड होता है और एटीपी में कन्वर्ट होता है, और जहाँ पे एनाबोलिक रिएक्शंस होती है डिफरेंट टाइप्स की, जहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये एटीपी मॉलिक्यूल ये एनर्जी कैरी करता है और यहाँ पे ये डिलीवर करता है। और एनाबोलिक रिएक्शंस कई डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, एनाबोलिक बायोसिंथेसिस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स प्रोसेस हो सकती है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हो सकता है, सेक्रेशंस हो सकते हैं, मैकेनिकल वर्क्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फंक्शंस हैं इनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और ये एनर्जी रिक्वायर्ड यहाँ से फुलफिल की जाती है एटीपी के थ्रू। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।